गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा जो सिक्स क्लास का जो इंग्लिश में सेकंड लेसन है उसके बारे में। तो हमारा जो सेकंड लेसन है उसका नेम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। भाई इसका हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, हाउ द डॉग, कि किस प्रकार एक कुत्ते ने अपने खुद के लिए क्या ढूंढ लिया, एक नया मालिक। तो इसकी बच्चों क्या है इसमें, इस लेसन में क्या, एक डॉग है जो यानी उसको किसकी ज़रूरत है, अपने मालिक की, उसको किसी के पास रहने की ज़रूरत है, लेकिन वो क्या सोच रहा है कि वो मालिक का एस्पिरिट क्या होना चाहिए, बिल्कुल ताकतवर, जो उसकी क्या कर सके, रक्षा कर सके। इसलिए वो कई जानवरों के पास जाता है, भालू के पास जाता है, शेर के पास जाता है, लेकिन लास्ट में वो किसके पास जाता है, इंसान के पास, आदमी के पास। और उसको पता चलता है कि उसका जो वास्तव में जो मालिक है वो कौन है, वो इंसान ही है। ठीक है, तो लेकिन बच्चों आज हम सिर्फ क्या करेंगे इस लेसन के, इसको रीड करने से पहले, इसको समझने से पहले हम इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनके मीनिंग्स को करेंगे। ठीक है, ताकि आप लेसन को अच्छे से समझ सको, आपको यानी वर्ड मीनिंग को याद करने के बाद आपको लेसन को समझने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं। हमारे पास जो सबसे फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, मास्टर। मास्टर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मालिक, स्वामी। ठीक है, दूसरा मीनिंग बच्चों, वॉल्स का मीनिंग क्या होता है, भेड़िए। ठीक है, इसमें जो डॉग है किसके पास जाता है, भेड़िए के पास जाता है। ठीक है, इसलिए हम वॉल्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे, भेड़िए। थर्ड मीनिंग क्या होता है, इल प्लीज्ड। प्लीज का मीनिंग होता है बच्चों खुश होना, इल का मीनिंग क्या होता है, खराब। यानी जब व्यक्ति खुश नहीं होगा, यानी उसका मूड खराब होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, तो खुश का अपोजिट क्या होगा, दुखी। ठीक है, तो इल प्लीज का मीनिंग क्या होता है बच्चों, दुखी होता है। फोर्थ है वांडरिंग, वांडरिंग अबाउट। वांडरिंग वर्ड किससे बना है, वांडर से। ठीक है, वांडरिंग अबाउट का मीनिंग क्या होता है, इधर उधर घूमना, चक्कर काटना। डॉग क्या था इस लेसन में, इधर उधर क्या काट रहा था, चक्कर काट रहा था, क्या ढूंढने के लिए, अपना मास्टर। फ्राइंटेड, फ्राइंटेड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, भयभीत, डरा हुआ। ठीक है, किन्समैन क्या होता है, संबंधी। ठीक है, अपने जो सगे संबंधी उनको क्या बोलते हैं, किन्समैन। स्नीफ्ड, स्नीफ का मीनिंग क्या होता है, सूंघना। स्नीफ्ड कैसे, स्नीफ से, स्नीफ का मीनिंग क्या होता है, सूंघना। ठीक है, या सूंघा, स्नीफ क्या हो जाएगा, सूंघा। स्नीफ का मीनिंग क्या होता है, सूंघना। ब्यूसिस का मीनिंग क्या होता है, झाड़ियाँ। ठीक है, क्रैप्ट, क्रैप्ट का मीनिंग क्या होता है, खिसक गया। क्रैप्ट को क्या बोल सकते हैं हम, रेंगना ही बोल सकते हैं, खिसक के चलना या रेंग के चलना। ठीक है, रेडली क्या होता है, तुरंत, उसी टाइम। हार्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, झुंड। क्या होता है, झुंड होता है। डार्टेड ऑफ का मीनिंग क्या होता है, भाग जाना, भाग गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 13 वर्ड क्या है, मूइंग। मूइंग का मीनिंग क्या होता है बच्चों, रोना, रंभाना। ठीक है, 14 वर्ड है हास्टली का मीनिंग क्या होता है बच्चों, जल्दबाजी में, जल्दी से। 15 वर्ड है रूल्स, रूल्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों, शासन करना। ठीक है, जैसे ने अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर क्या किया, बहुत सालों तक क्या किया, रूल किया, यानी शासन किया। बीस्ट, बीस्ट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, जंगली जानवर। बेस्ट का मीनिंग क्या होता है, जंगली जानवर। इससे अगला वर्ड डेयर्ड, डेयर का मीनिंग क्या होता है, निडर, हिम्मत करना। डेयर्ड का मीनिंग क्या होता है, हिम्मत करना। एमिड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, एमिड का मीनिंग होता है बीच में। एमिड का मीनिंग क्या होता है, के बीच में। रोयर, रोयर का मीनिंग होता है गर्जना, गर्जन। ठीक है, अब देखो पा, पा का मीनिंग क्या होता है बच्चों, पंजा। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड बच्चों, लॉयल। लॉयल का मीनिंग क्या होता है, ईमानदार, स्वामी भक्त। ठीक है, एल ओ वाई ए एल, लॉयल। लॉयल का मीनिंग क्या हो गया, स्वामी भक्त, यानी ईमानदार, ईमानदार भी कह सकते हैं हम। होल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, सुराख। ठीक है, छेद। और बेयर क्लिफ, क्लिफ का मीनिंग क्या होता है बच्चों, चट्टान। और बेयर क्या होता है, केविना। ठीक है, यानी बेयर क्लिफ क्या हो जाएगा, बिना वृक्षों वाली चट्टाने, बस जहाँ पे क्या नहीं है, वृक्ष नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये ऑलमोस्ट 23 वर्ड हैं। तो इनको आपने क्या करना है, अच्छे से कॉपी पर राइट करके इनको क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इस लेसन को शुरू करेंगे और इसको अच्छे से रीड करते हुए समझेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।